नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको रिव्यू देने वाला हूं यूवीआई वर्क स्टेशन के साथ आने वाला ऑर्केस्ट्रल स्वीट के बारे में। अब दोस्तों, ऑर्केस्ट्रल स्वीट की जो प्राइस है वो शायद $200 के आसपास है और इसमें आपको काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं और 4GB के आसपास की ये लाइब्रेरी आती है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या इंस्ट्रूमेंट आपको मिलते हैं इसमें। तो जूम करके देखते हैं, यहाँ पर आपको ऑर्केस्ट्रल के अंदर आपको ब्रास और कैथेड्रल ऑर्गन, सेलिस्ट्रा, कॉयर्स, क्लासिकल गिटार, हार्प, हार्पिकॉर्ड और ऑर्केस्ट्रा नाम से और एक और फोल्डर मिलता है जिसके अंदर आपको सारी जो स्ट्रिंग्स होती हैं, मतलब वो सारी अरेंज मिलती हैं। हम एक बार इसका साउंड सुनेंगे। परकशन मिलते हैं, पिच्ड परकशन मिलते हैं, स्ट्रिंग एनसेंबल्स मिलते हैं, स्ट्रिंग सोलो, वुडविंड एनसेंबल, वुडविंड सोलो। तो ये आपको सारे इंस्ट्रूमेंट काफ़ी सारे मिलते हैं। सबसे बढ़िया बात, मेरे को इसका कॉयर अच्छा लगा और एक ऑर्केस्ट्रा वाला साउंड और पिच्ड और परकशन, जो ई परकशन का साउंड है, ये मेरे को अच्छे लगे। तो मैं आपको एक एक करके ये सभी चीज़ें सुनाने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ, रिव्यू देने वाला हूँ। वीडियो को चालू करने से पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये जो बेल का आइकन है इसे दबा सकते हैं, क्योंकि मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। साथ ही साथ अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हो तो आप जानते होंगे कि मैं किस तरीके का कंटेंट लाता हूँ। आप अभी ही इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। दोस्तों, हम अपने चैनल पर 5000 सब्सक्राइबर शायद आज ही कंप्लीट कर लेंगे और उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दोस्तों, आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए चैनल के साथ और मेरे साथ, और मैं आपके लिए नई नई टेक्निक्स ऐसे ही लाता रहूँगा। चलो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं इस लाइब्रेरी को देखना। तो देख सकते हो अभी हमको यहाँ पर कॉयर्स मिलता है जो मेरा फेवरेट है इस लाइब्रेरी का। तो अभी मैं यहाँ पर चिल्ड्रन कॉयर आपको सुनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको अलग अलग आर्टिकुलेशन मिलते हैं और इसकी रेंज है वो आपको 2 ऑक्टेव की मिलती है। तो एक बार हम इसको प्ले करके देखते हैं। अगर आप इस साउंड को CC11 वाला जो फेडर है उसके साथ या मॉड्यूलेशन वाला जो व्हील है उसके साथ आप प्ले करोगे तो थोड़ा सा आपके पास फील और बढ़ेगी, जैसे मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ये मैंने प्ले किया था मॉड्यूलेशन व्हील के साथ और अगर आप चाहो तो CC11 को भी प्ले कर सकते हो। मैं CC11 को एक बार और प्ले करके दिखाता हूँ आपको। तो CC11 से जो डायनेमिक्स में चेंज हो रहा है वो थोड़ा सा कम हो रहा है, तो जिससे आपको बेहतर साउंड मिलता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको CC11 के साथ प्ले करो। अब हम देखते हैं अगला कॉयर इसमें। ये है फीमेल कॉयर और अब फीमेल कॉयर के अलावा इसमें एक मिक्स्ड कॉयर और आता है जिसको हम सुन के देखते हैं अब। तो ये था मिक्स कॉयर और अब इसमें और भी इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिनको हम ओपन करके देखते हैं। अभी यहाँ पर हम चलते हैं ऑर्केस्ट्रा में और यहाँ पर आपको मिलता है कंप्लीट ऑर्केस्ट्रा। इसको एक बार हम सेलेक्ट करके देखते हैं क्या इसमें साउंड आता है। यहाँ पर अभी हो क्या रहा है कि मैंने लेगेटो मोड ऑन किया हुआ है, तो इस वजह से एक बार में मैं एक ही नोट प्ले कर पाऊंगा। तो जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ,
तो ये जो लेगेटो मोड है मेरे को ऑफ करना है, मैं यहाँ पर पॉलीफोनिक मोड में जाता हूँ, ये मैंने कर दिया है सिलेक्ट। अब हम इसको प्ले करके देखते हैं। तो अभी मैंने क्या किया था कि मॉड्यूलेशन व्हील की थोड़ा सा मैंने रेंज कम कर दी थी, जिससे अभी ये साउंड जो हार्ड आ रहा था ये सॉफ्ट हो गया। अब हम इसमें चलते हैं और देखते हैं कंप्लीट ऑर्केस्ट्रा में आपको क्या क्या और मिलता है। यहाँ पर आपको ब्रास व्हील के साथ और मिलता है। तो अभी मैं अगेन, ये पॉलीफोनिक हो रहा है और अब इसको हम प्ले करके देखते हैं। तो ये आपको इस तरीके का इसमें साउंड मिलता है। और अब हम चलते हैं नए इंस्ट्रूमेंट की तरफ और ऑर्केस्ट्रा स्ट्रिंग को और सुन लेते हैं एक बार इसमें कैसा साउंड आता है। तो यहाँ पर मैं मॉड्यूलेशन व्हील का मैंने थोड़ा सा रेंज कम करी है, उसके बाद साउंड सॉफ्ट आ रहा है। अगर आप थोड़ा सा साउंड हार्ड चाहते हो तो आप मॉड्यूलेशन व्हील की रेंज बढ़ा सकते हो और CC11 को आप ऑपरेट कर सकते हो, तो आपको इस तरीके का साउंड मिल सकता है। अभी हम आगे चलते हैं। यहाँ पर मैं आता हूँ परकशंस के अंदर और यहाँ पर देखते हैं सिम्बल, हम एक बार प्ले करके देखते हैं। अब ये सिम्बल लोड हो चुकी है। अब हम चलते हैं आगे के इंस्ट्रूमेंट्स को देखने के लिए। यहाँ पर गोंग नाम से आपको और इंस्ट्रूमेंट मिलता है, इसको सुनते हैं। बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ पर देखते हैं और क्या इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पर आपको ग्रैंड कासा नाम से एक इंस्ट्रूमेंट मिलता है जो बेस ड्रम जैसा देखने में लगता है। अब हम इसको प्ले करके देखते हैं। आप चाहो तो इसका रिवर्ब यहाँ से ऑफ कर सकते हो। यहाँ पर इसकी EQ की सेटिंग भी करी हुई है, इसमें बेस बढ़ाया हुआ है तो हम इसका बेस भी कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से EQ से। इसको चाहे तो हम ऑफ भी कर सकते हैं, रिवर्ब भी ऑफ कर सकते हैं हम इसका। अब इसको प्ले करके देखते हैं। यहाँ पर इसके कुछ नोट्स मेरे को अच्छे साउंड नहीं कर रहे हैं, वो आर्टिफिशियल साउंड दे रहे हैं, तो अभी मेरे को ये इतना अच्छा नहीं लगा है। और अब हम इसमें आते हैं, ये है पेटाइट्स परकशन। ये क्या है, पहली बार मैंने इसका नाम सुना है, तो मैं इसको पेटाइट
परकशंस को मैंने ओपन कर लिया है और अब देखते हैं इसका कैसा साउंड आने वाला। अच्छा, ये जनरल परकशन है जिनको हम यूज़ करते हैं अपने सॉन्ग्स में भी, तो इसमें ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक के साथ साथ आप इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स को भी, परकशंस को भी यूज़ कर सकते हो। एक बार मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको। अब ये था एक इंस्ट्रूमेंट, अब मैं यहाँ पर दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स का साउंड और देखना चाहता हूँ। तो ये साउंड मेरे को अच्छे लगे, इनका यूज़ आप कर सकते हो अपने ऑर्केस्ट्रल म्यूज़िक के अलावा भी, बाहर आप इसको यूज़ कर सकते हो, तो ये काम के लग रहे हैं मेरे को। पेटाइट्स परकशंस, इसका नाम थोड़ा अजीब था, लेकिन अब स्नेयर पे आ जाते हैं हम और इसको प्ले करके देखते हैं। ये था स्नेयर का साउंड, और अभी इसमें हम आते हैं टाइको नाम से जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें, और इसका साउंड सुनते हैं अब। ये वाला इंस्ट्रूमेंट तो यार बहुत शानदार है, इसको यूज करते हैं शायद ए आर रहमान साहब के, मैंने जो म्यूजिक सुना है BGM, तो उसमें शायद आई मूवी का है म्यूजिक इन्होंने दिया है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मैंने इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट सुना था। इसको टाइको बोलते हैं। अब देखो इंस्ट्रूमेंट का नाम भी पता चल गया, तो ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप इसकी ADR सेटिंग भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, मैं यहाँ पर चेंज करके देखता हूँ और इसका साउंड कैसा आता है ये सुनते हैं फिर। तो थोड़ा सा बस मेरे को लग रहा है कि साउंड है ना जो खुल के नहीं आ पा रहा, मे बी वो रिवर्ब की प्रॉब्लम है। एक बार रिवर्ब को ऑफ करके देख लेते हैं। खुल के का मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ कि रिलीज है ना वो ऑफ हो रहा है, तो या तो मेरे को एक बार मैं CC नॉब्स को भी ऑपरेट करके देखता हूँ। देखो मैं आपको कुछ चीज सुनाना चाह रहा हूं, तो यहां पर क्या है कि साउंड कट रहा है एक दूसरे इंस्ट्रूमेंट से, तो एक बार मैं देखता हूं यहां पर डबलिंग का ये क्या है, इसको ऑफ करके देखता हूं अब क्या साउंड आ रहा है। पहले से बेहतर सुनाई दे रहा है, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको MIDI प्रोग्रामिंग थोड़ा ज़्यादा ध्यान से करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे दूसरा इंस्ट्रूमेंट आ रहा है तो इसका साउंड कट रहा है। लेकिन आप ये देखो कि 4GB की लाइब्रेरी है, उसमें इतने ज़्यादा आपको मतलब साउंड की जो आर्टिकुलेशन है वो नहीं मिलेंगे, तो उस हिसाब से बेहतर है अगर ना हो कुछ उससे तो बेहतर है ये। अब हम आ गए हैं टिम्पनी पर, अब हम इसको सुनते हैं। ठीक है, ये टिम्पनी का साउंड है, और अब हम आगे आते हैं इसमें पिच्ड परकशंस में देखते हैं। कोई एक दो हम मरिम्बा सुन लेते हैं इसका, ज्यादा नहीं सुनते। ठीक है,
ठीक है, ये बढ़िया है। मरिम्बा वैसे हमको जनरली मिल जाता है, हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं नॉर्मल, मेरे को हालियन 6 में भी मरिम्बा मिला हुआ है। ज़ाइलोफोन को सुन लेते हैं इनका, ये वाइब्राफोन लग गया है पहले, चलो इसको ही सुन लेते हैं। ठीक है, आप इसका ज़ाइलोफोन हम एक बार सुन लेते हैं। सिंपल है इसका वाइब्राफोन, मेरे को लगता है इन इंस्ट्रूमेंट पर ज़्यादा वर्क इन्होंने नहीं किया है। अब हम स्ट्रिंग एनसेम्बल पर आ चुके हैं, जो कि मेन होता है किसी भी ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक के लिए, तो हम इसको सुनते हैं इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है। अगेन यहाँ पर लेगेटो ऑन है, तो मेरे को लेगेटो ऑफ करना पड़ेगा। आप चाहो तो लीड प्ले कर रहे हो तो आप लेगेटो को ऑन रख सकते हो, लेकिन मैं लीड प्ले नहीं कर रहा, मैं कॉर्ड प्ले कर रहा हूँ एक तरीके से, तो सस्टेन जो आर्टिकुलेशन होता है उनको प्ले कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर पॉलीफोनिक को एक्टिवेट करूँगा। यार ये साउंड मेरे को अच्छा लग रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि इतनी ज़्यादा मेमोरी भी नहीं ले रहा है, तो सिंपल और स्वीट है। और अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर आपको बेस का साउंड मैं सुनाना चाह रहा हूँ, और मैं यहाँ पर व्हील के आर्टिकुलेशन ओपन कर रहा हूँ। मैंने आपको व्हील और जो वेलोसिटी है उसके बारे में बता दिया है पहले, कि व्हील में आपको मॉड्यूलेशन व्हील से आपको आर्टिकुलेशन आपका जो साउंड है वो चेंज करना पड़ता है, वेलोसिटी वाले में आपकी वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, तो आप जितनी ज़्यादा वेलोसिटी रखोगे उतना ही ज़्यादा हार्ड साउंड आएगा। तो ये था बेस का साउंड, बेस व्हील, और अब हम आते हैं चेलोस पर। चेलोस को मैं सेलो बोल देता था पहले, लेकिन अब चेलो बोलेंगे इसको, तो चेलोस का हम साउंड सुनते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं और दूसरे इंस्ट्रूमेंट, हम यहाँ पर वियोलास का साउंड सुनते हैं। अब यहाँ पर अगेन लेगेटो ऑन मिल रहा है, इसको मेरे को ऑफ करना पड़ेगा। एक बार मैं आपको लेगेटो के साथ भी साउंड सुनाऊंगा इसी इंस्ट्रूमेंट का, ताकि आपको लेगेटो की फील कैसी होती है वो पता लग जाए। तो यहाँ पर आपको मैंने वियोला का साउंड सुना दिया है, अब मैं यहाँ पर लेगेटो में आपको साउंड सुनाना चाह रहा हूँ कि लेगेटो में किस तरीके का साउंड आता है। ध्यान रहे, जब आप लेगेटो मोड ऑन करके प्ले कर रहे हो तो आपको एक बार में आपका एक ही नोट आए वो बेहतर रहेगा, अदरवाइज दो नोट अगर आप प्ले करोगे तो कोई एक नोट बन जाएगा। तो सुनते हैं अब। तो ये था लेगेटो मोड में साउंड, और अब हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं वायलिन फर्स्ट और वायलिन सेकंड को भी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। वायलिन फर्स्ट ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक में सबसे ज़्यादा मेन होता है, तो अब सुनते हैं इसका साउंड कैसा है। अब हम आते हैं वायलिन सेकंड पर। मैं आपको पूरी लाइब्रेरी का साउंड इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन कहीं आपको ऐसा नहीं लगे कि आपने कोई साउंड बिना सुने ये लाइब्रेरी परचेज कर ली थी।
यहाँ आपको पोर्टामेंटो भी मिलता है जिसको आप एक्टिवेट कर सकते हो लेगेटो के साथ, या लेगेटो के बिना ही होगा एक्टिवेट। अब हम सुनते हैं। जो मैं हरियाणवी और राजस्थानी सॉन्ग सुनता हूँ ना, तो उसमें इस टाइप का पोर्टामेंटो ऑन होता है, तो वो उस ये वाला थोड़ा सा मेरे को आर्टिफिशियल लग रहा है, तो मेरे को ये साउंड इसका अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन आप सिंपल सस्टेन के साथ, पॉलीफोनिक जैसे आप एक्सप्रेशन के साथ प्ले करना चाहते हो सस्टेन वाले नोट्स, तो उनके हिसाब से ये बढ़िया है। वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ पॉलीफोनिक के अकॉर्डिंग। तो ये साउंड है उनके अकॉर्डिंग और पॉलीफोनिक के अकॉर्डिंग मतलब। तो अब भी स्ट्रिंग्स में सोलो इंस्ट्रूमेंट का भी मैं आपको साउंड सुना देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको चेलोस का पहले साउंड सुनाता हूँ। अब हम आते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की तरफ, जो है वायलिन। वायलिन का ही सुना देता हूँ मैं आपको, वियोला का नहीं सुनाने वाला, इसमें काफी वीडियो लंबी हो जाएगी अदरवाइज। तो ये था वायलिन का साउंड। और अब इसमें हम वुडविंड पर आ चुके हैं, शायद हमने काफ़ी सारी कैटेगरी कवर कर ली हैं। मैं आपको जल्दी से अब इनका साउंड सुना देता हूँ, मैं अभी बोलूँगा नहीं आपको सभी चीज़ों का, एक एक बार साउंड जल्दी से सुना देता हूँ। तो दोस्तों अब मैं आपको एक बार ब्रास का साउंड और सुना देता हूँ। यहाँ पर शायद मैंने ये इंस्ट्रूमेंट कवर नहीं किया है, सेलेस्टा का साउंड सुना देता हूँ मैं आपको पहले। अब हम सुनते हैं अगले इंस्ट्रूमेंट का, मैं आपको जल्दी जल्दी सुना रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है ये वाली। Thank you.
तो दोस्तों अभी इसमें लगभग मैंने सारे इंस्ट्रूमेंट को आप लोगों को सुना दिया है। इसमें काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट आपको मिलते हैं, लेकिन थोड़ा सा देखा जाए तो क्वालिटी अगर एक $600 की या $700 की, वो तो $600 में मेरे को डिस्काउंट के साथ मिली है, अगर देखा जाए तो $1,000 की लाइब्रेरी है, तो उससे ये 5 गुना सस्ती है। तो 4.62 GB की है, तो इसमें आर्टिकुलेशन भी कम है, तो अगर आप एक सस्ती ऑर्केस्ट्रा लाइब्रेरी को देख रहे हो तो उसके हिसाब से ये बढ़िया है। और इसमें मैं जो यूज़ करने लायक चीज़ समझ रहा हूँ, जो मेरे को अच्छी लगी है, वो इसका कॉयर वाला सेक्शन मेरे को अच्छा लगा है, तो मैं उसको यूज़ करने वाला हूँ अपने प्रोडक्शन में। तो आगे आने वाली लाइब्रेरीज में मैं अभी जो आपको स्पिट फायर की लाइब्रेरी है उसका ट्यूटोरियल या उसका रिव्यू देने वाला हूँ। उसका साउंड बहुत अच्छा है, ये भी सस्ती लाइब्रेरी है, लेकिन वो $1,000 की लाइब्रेरी है। मतलब आप ये सोचो कि वो 78,000 है उसका जो प्राइस है, डिस्काउंट में मेरे को मिली थी वो 45,000 के आसपास। तो उसके सैंपल का जो आर्टिकुलेशन है वो BBC ने यूज़ के रिकॉर्ड किए हैं, तो BBC का काम आप सुनते हो, BBC के भी रेडियोज़ भी आते हैं, उनका वर्क बहुत डिटेल्ड होता है ना, स्पिट फायर के साथ मिलकर कराए तो उनका तो बहुत शानदार वर्क है। तो वो वाली लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा आर्टिकुलेशन के साथ है, तो उसका भी मैं आपको रिव्यू दिखाऊंगा। लेकिन अभी मैंने जो SSD मैंने अभी परचेज़ करी है तो मेरे पास अभी डिलीवर नहीं हुई है, एक बार SSD में जब वो लाइब्रेरी मैं डाल दूंगा तब उसके बाद वो अच्छी प्ले होगी, क्योंकि वो बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और आर्टिकुलेशन को रियल टाइम प्ले करने के लिए एक अच्छी SSD का होना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।